जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी। आज हम बनाएंगे बटरफ्लाई चिकन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है और चिकन को हमने इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला और इसी के साथ ऐड करेंगे एक टी स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हमने यहाँ पर इसे बढ़िया सा कलर देने के लिए ऐड की है, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। अगर आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। और हमने लिया है एक टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही में ऐड कर देंगे एक टीस्पून वाइट विनेगर। आप यहाँ पर विनेगर की जगह एक टीस्पून नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं और हाफ टी स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है एक टेबलस्पून देसी घी और इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है एक टेबलस्पून मैदा और एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन मैरिनेट करने के लिए हम इसे कवर करके फ्रीज में रख देंगे। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। अब हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इन आलूओं को हमने इस तरह से पतली स्लाइसेस में काट लिया है और दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है। कॉर्नफ्लोर में हम 4 से 5 टेबलस्पून पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे जिसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। अब हमें इसमें से एक आलू की स्लाइस लेनी है और इसे हमें पानी और कॉर्नफ्लोर के घोल में डीप कर देना है। और अब हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है उसमें से एक पीस लेंगे और इस तरह से इसे आलू पर रख कर इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे और इस तरह से इसके सेंटर में हमें टूथपिक इंसर्ट कर देनी है। तो इस तरह से हमने सारी आलू की स्लाइसिस को कॉर्नफ्लोर की स्लरी में डीप करके उसके सेंटर में चिकन का पीस रखा और उसमें टूथपिक इंसर्ट कर दी। अब बटरफ्लाई चिकन को फ्राई करने के लिए हमने तेल अच्छे से गरम कर लिया है और एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और इसे फ्राई करते वक्त हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर इसे फ्राई करते वक्त आपने गैस की फ्लेम को हाई रखा तो चिकन सही से फ्राई नहीं हो पाएगा। और इसी के साथ हमने जो आलू के स्लाइसेस लिए हैं इन आलू के स्लाइसेस का कलर कुछ ज़्यादा ही डार्क हो जाएगा, इसलिए हमें गैस की फ्लेम को लो रखना है और बीच में इस तरह से एक बार इसे उलट पुलट कर देंगे। तो 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद हम इन्हें तेल में से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हमें बाकी के चिकन बटरफ्लाई को भी इसी तरह फ्राई कर लेना है। तो खाने के लिए तैयार है चिकन बटरफ्लाई। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।